हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल। ये वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। एक्चुअली बहुत सारे रीडर्स हैं, उन्होंने मुझे क्वेश्चन मुझे ईमेल में पूछते रहते हैं कि गोल्ड का जो रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या इम्पोर्टेंस है और गोल्ड में कितना अमाउंट में निवेश करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो अभी देखिए, ये क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर है नो। ये अगर आपको आगे भी वीडियो सपोज नहीं देखना है तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसका ये जो आंसर है वो है शॉर्टली नो, कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए गोल्ड के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो अभी कैसा है कि गोल्ड जो है वो उसका रीज़न ऐसा है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए एसेट क्लास नहीं है। बहुत सारे जो व्यूअर्स से मुझे पूछते हैं कि गोल्ड में हम निवेश करें कि नहीं, या तो पास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में गोल्ड म्यूचुअल फंड के गोल्ड ETF के रिटर्न अच्छे नहीं आए हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कहाँ पर निवेश करें। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं पहले से ही मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि गोल्ड में आपको निवेश करना चाहिए, और मैं हमारे इन्वेस्टर के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं एक्चुअली यही बताना चाहता हूँ कि गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डिंग के लिए एसेट क्लास नहीं है, और अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए गोल्ड एसेट क्लास नहीं है। बट उसके लिए क्या एसेट क्लास है? इक्विटी, क्योंकि इक्विटी जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है। दूसरे कोई भी एसेट क्लास के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म में इक्विटी जो है वो हाईएस्ट कैपिटल गेन देती है। इसलिए अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, मतलब आपके 5 साल के ज़्यादा के टाइम होराइजोन के लिए अगर वेल्थ बिल्ड करना है, जैसे कि चाइल्ड का एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग, तो उसके लिए जो एसेट क्लास वो है इक्विटी है, नहीं कि गोल्ड। तो यहाँ पे कैसा है कि आपको इक्विटी के अंदर क्या है कि 5 साल से ज़्यादा के टाइम होराइजोन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और दूसरा कैसा है कि हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ गोल्ड और इक्विटी है वो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इक्विटी के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। तो दूसरा, अगर आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न चेक करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको इक्विटी के अंदर निवेश करना चाहिए, नहीं कि गोल्ड के अंदर। तो देखिए, ये जो चार्ट है वो ये स्वाति मैडम है जिनका चैनल बी वेल्थी है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि उनके चैनल से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है वो मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी इन्होंने ये अपना एक चार्ट जो है वो यहाँ पे उनके कम्युनिटी में शेयर किया हुआ था, तो ये चार्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कैसा है कि 1981 से लेके 2018 के एंड तक वेरियस एसेट क्लास के परफॉर्मेंस दिखाए गए हैं। तो अगर 1 लाख रुपया अगर 1981 के अंदर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया होता तो उसका अमाउंट 19.35 लाख होता 37 ईयर्स के बाद। PPF में वही अमाउंट हो जाता है 32.78 लाख, गोल्ड के अंदर ये अमाउंट हो जाता है 16.10 लाख, और सेंसेक्स के स्टॉक्स के अंदर ये अमाउंट हो जाता है 2.3 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप गोल्ड के अंदर निवेश करते हैं तो अगर आप 30-35 ईयर जैसे लॉन्ग पीरियड में, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ भी वेल्थ नहीं बिल्ड किया। 1 लाख इन्वेस्टेड जो गोल्ड के अंदर किया है वो 35-37 ईयर्स के बाद सिर्फ 16 लाख रुपीज होता है, जबकि इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो 2.3 करोड़ रुपीस हो जाता है, जो कि इससे आप देखा जाए तो 15 से 20 गुना ज़्यादा पैसा आप इक्विटी में बिल कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं आपको अपने जो जितने भी इन्वेस्टर के व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलता हूँ कि भले ही शॉर्ट टर्म में शायद गोल्ड है वो आपको इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न दे ऐसा लग सकता है, जैसे कि 2008-09 का जो ईयर आया था उसके अंदर गोल्ड ने एक ही ईयर में +24% रिटर्न दिया था, जबकि सेंसेक्स था उसने -38% रिटर्न दिया था। तो ऐसे 10 साल में 2-3 साल ऐसे आ सकते हैं कि जब गोल्ड है वो इक्विटी से ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप कोई भी चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो इक्विटी है वही आपको के लिए फायदेमंद रहता है और फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग रहता है। फिर ये देखिए, ये अपवर्डली डॉट इन का ये यहाँ पे मैंने टेबल लिया है जिसमें पास्ट 10 ईयर्स के म्यूचुअल फंड के रिटर्न दिखाए गए हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के। तो इसके अंदर आप देखते हैं तो 19-20% पर एनम का CAGR दिया हुआ है, मतलब अगर आपने 5,000 रुपये पर मंथ का SIP किया होता तो 10 साल के अंदर जो आपका 6 लाख रुपया है उसका कीमत यहाँ पे 12-13 लाख हो जाएगा, जो अराउंड 19-20% का CAGR है।
और अगर आप 20 ईयर्स का अगर टाइम होराइजन लेते हैं तो आपने 5,000 पर मंथ का SIP 20 ईयर्स तक किया है तो आपका टोटल 12 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो एवरेज 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है, जो कि 20-25% CAGR है। तो ये एक्चुअली इक्विटी का पावर है। अगर आपने गोल्ड के अंदर सेम ही टाइम होराइजन के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आप इतना सारा वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकते। अभी ये देख लीजिए, मुझे बहुत सारे रीडर्स पूछते हैं कि गोल्ड में तो रिटर्न अच्छा मिलता ही नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो? तो आप देख सकते हैं कि ये valuerisearchonline.com का डेटा है जिसमें ये बहुत सारे 4-स्टार और 5-स्टार रेटेड गोल्ड ETF फंड दिए गए हैं। तो पास 5 ईयर्स के अंदर इसका रिटर्न देखा जाए तो सिर्फ 2% पर एनम है, जो कि फिक्स डिपोजिट से भी कम है। जबकि इसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न के साथ कंपेयर करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 18 से लेकर 24.7% तक के बीच का CAGR दिया है, वही सेम 5 साल के टाइम होराइजन में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो लोग मुझे अगर आप पूछते हैं कि गोल्ड यहाँ पे इतना रिटर्न नहीं देता है तो क्या करें, तो मैं आपको बताऊँ कि गोल्ड में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या तो अपने 10 साल से ज़्यादा के टाइम होराइजन के लिए निवेश नहीं करना है, उसके लिए आपको इक्विटी के अंदर यहाँ पर निवेश करना है। तो ये बात आप एक्चुअली बहुत ही बेसिक है, वो आप समझ लीजिए कि इक्विटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बिल्डिंग की एसेट क्लास है, नहीं कि गोल्ड। तो इक्विटी का जो है तो गोल्ड का है रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर कोई रोल नहीं है। दूसरी बात मैं बोलता हूं कि अगर आपको गोल्ड में निवेश करना ही है तो एक मेरा रूल ये याद रखिए कि आपका टोटल जो पोर्टफोलियो है उसके 10% से ज्यादा आप गोल्ड में निवेश मत कीजिए। मतलब अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है तो आपको 10 लाख से ज्यादा रुपए का अमाउंट गोल्ड के अंदर निवेश नहीं करना है, और अगर आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख रुपए का है तो आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट गोल्ड के अंदर निवेश नहीं करना है। अभी दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पे कमेंट या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, प्लस मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस भी मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप मुझे अपने पर्सनल क्वेरीज भी भेज सकते हैं। थैंक यू।